कलिल तोय कहे, अमृत कहें या पानी, पंच तत्व में समाहित है जीवन की है निशानी। पानी की अहमियत जिंदगी में क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, पर सच तो यह है कि पानी सबसे बड़ी जरूरत है। पर आपको पता है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी देश में कई इलाकों में पानी एक कहानी थी, खासतौर की दूर दराज के इलाकों में, और स्वच्छ पानी की बातें तो बेईमानी थी, पर अब है इसकी पक्की गारंटी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन फीचर स्टोरीज ऑफ भारत। आज नो द नेशन की टीम आई है महाराष्ट्र के लातूर जिले में, जो कि एक वाटर डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट जिसे कहा जाता था, जहां 2016 में वाटर ट्रेन चलाई जा रही थी पानी के लिए, और उसके दूर दराज गाँव में जहां पानी की कमी थी। कैसे इस पानी की कमी वाले गांव में 100% टैप वाटर कनेक्शन हुआ? कैसे आजादी के इतने साल बाद भी इस इलाके में ना कोई पानी था, ना कोई जल की व्यवस्था, ना कोई जल स्रोत, नदी की धारा या कोई तालाब नहीं था? कैसे सरकार के प्रयास से जल जीवन मिशन की तरफ से हर घर नल से जल सुनिश्चित हुआ? जानते हैं लातूर के दावतपुर गांव की कहानी। लातूर दावतपुर के एक घर पे हम आए हैं और बात करेंगे सोनाली जी से। सोनाली जी, स्वागत है आपका। आप भी अपनी कहानी हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पानी से ही। कितना जरूरी है पानी? पानी तो दिन निकलने से भी जरूरी है। दिन की शुरुआत ही पानी से होती है। नहाना, बर्तन धोना, धोना, ये सब के लिए पानी, खाना पकाना, सबके लिए पानी लगता है। तो आप अपनी थोड़ी दिनचर्या बताइए, कैसे शुरू होता है दिन? पानी के बिना कैसे शुरू होता था 2 साल पहले, और अब क्या बदलाव आया? पानी जब नहीं था तब सुबह उठने से उठते ही पानी का सोचना पड़ता था। कहाँ जाना, कहाँ से पानी लाना, किस बॉडी की तरफ जाना, कहाँ से पानी लेकर आना, फिर पानी लेकर आकर फिर काम शुरू करने के बाद बहुत टाइम जाता था। अब पानी घर में आने की वजह से एकदम फास्ट काम हो जाता है। बच्चे टाइम पर स्कूल जाते हैं, आदमी टाइम पर खेत को ड्यूटी को जाते हैं। बोला बच्चे टाइम पे स्कूल जाते हैं, बच्चे क्यों नहीं स्कूल जा पाते थे टाइम? मम्मी पापा को देर लगती थी ना, जाकर पानी लाकर फिर सब काम करना पड़ता था। लेकिन अब घर में आने की वजह से जल्दी खाना पकाना होता है, जल्दी काम होता है, पानी की वजह से सब फास्ट हो जाता है। आपके घर में टोटल कितने लोग हैं और कितना पानी आप लेके आते थे? 6 लोग हैं हम टोटल।
हमें नहीं नहीं तो 10-12 घड़े पानी लाना पड़ता था। और कौन कौन जाता था पानी? मैं, मेरे पति, मेरी सास। तो आप एक साथ ही पानी लेके आ जाते थे या फिर कुछ पानी लेके आए, फिर कुछ काम किया, फिर पानी लेने गए, ऐसा करते थे? कैसे करते थे? जैसा टाइम होगा वैसा, टाइम होगा तो एक साथ लाने का, नहीं होगा तो थोड़ा लाकर उतना ही काम भगाने का। रात को 11-11 बजे तक जाना पड़ता था पानी लाने को। रात को भी पानी लेके आते थे? रात को भी, वो लाइट के हिसाब से चलता है ना, इधर हमारे इधर पानी की लाइट अलग होती है, सिंगल फेस, डबल फेस, ऐसे होते हैं। जब रात पानी की लाइट होगी डबल फेस की, तो रात को जाना पड़ता था 11-11 बजे। तो सारा गांव रात को जाता था पानी लेने के लिए? लाइट के हिसाब से चलना पड़ता था। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मेरी बेटी को वो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा पानी को लेके? हाँ, वो तो हुआ है, ऐसा दिन ना आ रही है किसी को, ऐसा लगता था ऐसा समय, लेकिन अब मोदी जी की वजह से बहुत अच्छा हुआ है। कैसे लगते हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्या बोलोगी प्रधानमंत्री? उनकी वजह से तो बहुत सारी सुधारना हो गई है। उन्होंने हर घर सिलेंडर सुविधा निकाली, उसकी वजह से लकड़ी लाना, चूल्हा पेटाना, पेट कर उस पर खाना पकाना बहुत कठिन था महिलाओं के लिए, लेकिन उनकी वो सुविधा, हर घर सिलेंडर, हर घर गैस, इसकी वजह से बहुत अच्छा हुआ है। इसके लिए मोदी जी के बहुत अच्छे काम है महिलाओं के लिए। जल ही जीवन है, पानी सबसे बड़ी जरूरत है। और लातूर जिला का दावतपुर गांव, जहां पानी की पहले क्या दिक्कत आती थी और अब किस हद तक हर घर में नल से जल है, उसकी कहानी बताने के लिए हमारे साथ हैं मैदाबी जी। मैदाबी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नो द नेशन पे। अपनी कहानी दर्शकों को बताइए कि यहाँ पे आपके घर में नल से जल, हर घर नल से जल जो कहा जाता है, सरकार बोलती है जल जीवन मिशन के तहत, तो आपके घर में नल कब लगा? 2 साल पहले। 2 साल पहले लगा। उससे पहले आप पानी लेने कहाँ जाती थी? 2-3 किलोमीटर जाते थे हम, बौड़ी से लाते थे। वो 1 घंटा पहले के एक जगह ऐसे कुएं में जमा करने के, फिर वो बंद होने के बाद हमारी परेशानी उठने की, पानी नहीं बसने होने का, 2-4 घड़े लाए तक टाइम वेस्ट होने का, काम को जाने का, हमारे को खेत में जाते नहीं थे, हमें बच्चा को लेके जाने का, कलचा लेके रोते रोते पीछे आने के, हमारे पानी की बहुत परेशानी, 4-5 घड़े मिलने के हमारे। इस गांव में कितनी बावली थी पानी की? इस गांव में बावड़ी छिपा ऐसा कहीं तो 4 खेतों में 1। और पानी की कोई स्रोत, कोई तालाब, कोई नदी यहाँ आसपास कहीं दूर से कुछ नहीं? दूसरे गांव से पाइप लेने, एक टाकी जमा करे थे उसमें छोड़ देने का, 1 घंटा है बोलने के, वो घंटे में जाएंगे उस कुछ पानी, नहीं जाएंगे वो वापस। कितना समय आप पानी को देती थी, पानी लाने में कितना समय खर्च होता था आपका? खर्च होता था सुबह से लेके 5 बजे जर गए तो 2-6 घड़े 5 घड़े मिलते थे, 6-7 बजे। आप लोग कितने लोग हो घर पे? हमारे घर में हमारे सास ससुर 2, हमारे देवर देवरान 4, हम 2-6 थे पहले और 1 ननद, तो 6-7 लोग। 7 लोगों में करीब कितना पानी लगता था एक दिन में? पानी बहुत लगता था, लगया तो बहुत लगता, लेकिन लाने का कहाँ से, 10 घड़े में गुजारा करने की, पीना भी, खाना भी और धोना, नहाना भी। आप बोल रहे थे कि आप सुबह 5 बजे निकलते हो और 2-3 चक्कर लगाते हो पानी के, तो एक साथ सुबह ही लेके आते हो पानी या फिर बीच बीच में? आदमी लोग रहने के बाद नीचे से निकालते तो बौड़ी में गिरी गया था, और हाउस भी बड़े रहने के 2-2 3-3 बरस की, औरत को नहीं आता था आदमी नीचे उतर, आदमी नीचे उतर के, अच्छा जिसका आदमी है उसे पानी, दूसरे को नहीं पानी। अब जब नल से जल आया है हर गांव में, आप कह रहे हो 2 साल पहले आया है, उससे कितना सहूलियत हुई है? अब कुछ भी नहीं, हमारे को अब घड़ा लेना ईच नहीं, नल लगाना, पाइप लगाना, भर देना, बड़े बड़े अब जैसा ये हुआ हिसाब बदला, वैसा हाउद बंधे गए, टैंक्स लाए, पूरे पूरे बड़े बड़े ठीक लेके आए, अब बदलच हो गया, तो बच्चे भी पढ़ने लिखने के लिए लग गए, अब परेशानी नहीं हमारे को। और ये स्कीम का पूरा समझा दिए गांव को कि ये मोदी साहब ने जल जीवन मिशन योजना की है, इसमें हर घर नल हर घर जल ये अभियान है, और हर घर को जितना 55 लीटर हर व्यक्ति के नाम इतना पानी हर रोज़ देना जरूरी है, उसके वास्ते ये जल जीवन योजना की है। और इसमें हर घर अपन पाइपलाइन करके हर घर को नल मुफ्त में देंगे। मोदी सरकार की जो योजना है
हर घर जल हर घर नल, इस वजह से महिला का जीवन पानी के वजह से सरल हो रहा है और उतनी दिक्कतें नहीं आ रही जितने कि पहले पानी नहीं था।